जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं ऋषि, आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है, सब ठीक ठाक है? दोस्तों आज आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा कितना आदमी पास हुआ है एसएससी, जिनमें जो भी अभी सेंटर में अभी हो रहा है, हमारा सेंटर में भी कितना पास हुआ है और दूसरे सेंटर में भी लगभग कितना पास हो रहा है। दोस्तों कट ऑफ कितना तक जा सकता है, 1, 2, 3, 4 चार दिन हो गया फिजिकल, और इसमें अभी गौर हिसाब से मतलब इसका परसेंटेज कितना कैंडिडेट पास हो रहा है डेली, रनिंग हो मतलब फिजिकल में कोई भी चीज़ में सेस्ट, हाइट या आपको रनिंग में कंप्लीट बताऊंगा किस में ज़्यादा सबसे कैंडिडेट फेल हो रहा है और डेली कैंडिडेट कितना आउट हो रहा है, पूरा कंप्लीट डाटा है। और आप लोग बता देता हूँ, आप इस बात को ध्यान नहीं देगा आप भी इस बार निकल सकता है। दोस्तों किन किन लोगों को चांस है इस बार और कट ऑफ कितना तक जा सकता है वो भी मैं बताऊँगा। आप वीडियो कंप्लीट देख लेना शुरू से लास्ट तक, और मेरा चैनल में नया जुड़ा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। दोस्तों मेन बात आ जाता है, दोस्तों बहुत दिन हो गया मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाया आप लोगों को दिखा रहा था, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए रनिंग कौन सा स्टेप से करने से आप पास हो सकता है। मैं बोलने से और दिखाने से बहुत फर्क पड़ जाए, आदमी को दिखाने से क्या होता है एक्यूरेट लगा सकता है और इतना क्या है, इतना स्टेप से दौड़ेगा तो आप पास हो जाओगे। कल भी मैं वीडियो डाला था, आप ज़रूर देख लेना एक बार, जो कैंडिडेट का टाइम ज़्यादा लग रहा है आप खुद मुँह से सुन लेना है। हर सेंटर में अलग अलग आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि सभी का जो ग्राउंड है, जो बात सभी का जो ट्रैक है ना, सभी का अलग अलग है। कोई पहाड़ी इलाके में पड़ा है जैसे डिफू हो गया, उधर से भी मुझे ये क्या था और बोला सर बहुत ही इधर हार्ड है, जिसका टाइम क्या है 1 या 2 मिनट जिस ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें। और कोई कोई जगह में हमारा इधर हो रहा है 2 मिनट पहले ही पहुँच रहा है, जिसका 24 मिनट लग रहा है वो 22 में पहुँच रहा है, जिसका 26 24 में पहुँच रहा है, 2-3 मिनट पहले पहुँच रहा है। आप लोगों को तो रिव्यू भी मैं दिखा दिया दोस्तों आप लोगों को। आज मैं किस लेके आया इस वीडियो, बहुत आदमी ना मेरे से जो मिलना चाहता है ना, आप लोग पहले एक बार वीडियो देख लीजिए तो अभी आप लोगों से क्या है पता हो जाएगा। बात क्या है, मैं देखिए मैं डिपार में, आप भी ना आपका साथ भी ऐसा हो सकता है। अभी देखिए मैं जैसे आप लोगों से मिलने के लिए मैं भी चाहता हूँ, देखिए सिविल आदमी होने से कोई बात नहीं था, इधर कोई बोलने वाला नहीं था, गेट पर सामने से क्या होता है सभी भाई बहन, बहुत आदमी को मैं देखा है और जिससे देखा है मैं तो बात भी किया हूँ, थोड़ा सा क्या होता है उधर भी मना कर दिया, सामने ऐसा नहीं करना है क्योंकि बहुत सारा बात है इसमें, ड्रेस में रहूँगा कोई कुछ प्रॉब्लम मतलब कोई ऐसे भी बोल सकता है ये कुछ दूसरा तरीके से मतलब मिलाप कर रहा है, मतलब दूसरे आदमी का क्या है शौक भी हो सकता है, ये कौन सा तरीका है इसका साथ इतना आदमी कैसे है, फिर उस दिन भी मुझे पूछ रहा था। इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी कैंडिडेट मुझे गेट में भी दिखाई देता है ना, बस आप लोगों से मैं गेट में भी इतना बात नहीं कर पाऊँगा आप लोगों से, इसलिए मैं बता देता हूँ आप लोग मिलना है एक दिशान हॉस्पिटल है, दिशान हॉस्पिटल का जो सामने है, दिशान हॉस्पिटल का जो सामने है दोस्तों, उसमें जगह है उधर मतलब क्या एक रोड में ही है रास्ता के उस पार, आप लोगों से मैं मिलूँगा। और दिशान हॉस्पिटल के आपको क्या है, दिशान हॉस्पिटल मिलने से पहले आप लोगों से मैं जो बात करूँगा, दिशान हॉस्पिटल के सामने जो एक रोड है उसका सामने भी आप रह सकता है और उधर ही मैं मिलूँगा, जाके आप लोग मिलना चाहता है तो मैं उधर ही जाऊँगा, और कब जाऊंगा वो मैं आप लोगों को पोस्ट में डाल देता हूँ कितना बजे तक मतलब मिल सकता है, और नहीं तो आप लोगों से एक लाइव आ जाता और लाइव आप लोग इंतज़ार करना, और लाइव में आप लोगों को बताऊंगा कितना बजे तक आपको मैं मिलूंगा उधर दिशान हॉस्पिटल के सामने। दोस्तों बाकी ऐसे में गेट के सामने किसी से नहीं मिल सकता हूँ दोस्तों, बुरा मत मानिए, आप लोगों का भी नौकरी हो जाए अगले साल व इस बार नौकरी हो जाएगा तो आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि इधर ऐसा है ना बहुत आदमी को पता नहीं यूट्यूब के बारे में भी, बोलेगा ये कौन सा है, ये कहाँ से आया इतना लड़का, इनका साथ क्या है, अरे बहुत कुछ है, इसलिए किसको इतना पूछताछ करने के ठीक भी नहीं लगता खुद को, बाकी तो कुछ नहीं होने वाला है तब भी आप आदमी को ना बहुत आदमी को पता नहीं रहता इस बात को। और मुझे आप लोगों से मिलना है मुझे भी, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों का जो भी है प्यार, और इतना सारा प्यार दिया है मुझे मतलब इतना विश्वास से नहीं हुआ था आप लोग इतना प्यार देगा। और मेन बात में आ जाता हूँ, कितना कैंडिडेट पास हुआ है आप लोगों को बता देता हूँ जो अपडेट है दोस्तों, उसका बाद बताऊँगा आप फिजिकल रनिंग कैसे पास करें, क्योंकि आप लोगों को वो भी मैं बताऊँगा। देखिए इसमें जो डाटा है, देखिए
01, 02 आपको कितना कैंडिडेट दोस्तों लगभग दोस्तों 55% ऑफ मतलब क्या है पास हुआ है दोस्तों 55%। देखिए फर्स्ट दिन भी आपको लगभग 350 कुछ समथिंग बच्चा था और उसमें भी लगभग दोस्तों इसमें भी कितना है 170 के आसपास है पास हुआ है। और उसका बाद आप लोगों को दूसरा दिन भी सेम वही है 165 या 170 कुछ ऐसा है उसमें भी 160 के ऊपर ही है उसमें भी लगभग दोस्तों 50% बच्चा पास हुआ है। और तीसरा और चौथा दिन में क्लियर बता रहे थे आप लोगों को, फर्स्ट तो आप लोग बता दिया, दूसरा भी आपको इतना ही है किंतु कारेक्ट में नहीं ये क्या है। और 03 जो 3 तारीख को है 346 कैंडिडेट था और उसमें 176 पास हो गया है। और 04 को है दोस्तों 312 कैंडिडेट था 174 पास हो गया है। इसलिए दोस्तों आप मान सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें 50% कैंडिडेट दोस्तों फेल हो रहा है, 50 कैंडिडेट पास हो रहा है, 50% दोस्तों कैंडिडेट पास हो रहा है। तो अब आप खुद सोचिए जो फिजिकल पास किया है ना उनका जॉब पक्का होना मतलब 90% चांस रहेगा, 50% कैंडिडेट निकल रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी मेडिकल भी बाकी है और लगभग इसमें भी 3.5 लाख कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाएगा, उसमें आप मान लीजिए 1.5 लाख कैंडिडेट क्या है आउट हो जाएगा फिजिकल में। तो अब रुक गया दोस्तों 1.5 लाख रुक गया है मेडिकल के लिए, और मेडिकल में दोस्तों उसमें भी निकल जाएगा लगभग, उसमें भी निकल जाएगा दोस्तों, लास्ट में रहेगा दोस्तों कितना है आप मेडिकल के लिए आप सोचिए। इसलिए दोस्तों जो, और दोस्तों एक बात बता देता हूँ, मुझे ऐसे भाई मिला है जिसका नंबर 80, 90, 100 वो भी कैंडिडेट दोस्तों हाइट में रिजेक्ट हो गया है। देखिए वो बोला था सिर्फ हाइट पास करना है, हम रनिंग कंप्लीट कर दूँगा, क्या करेगा किस्मत, पिछली बार पास हुआ था और इस बार इसमें निकल दिया इनको हाइट में इतना अच्छा नंबर होने के बाद भी। इसलिए दोस्तों आप लोगों को बता रहा था जिसको मौका मिलता है ना वो आदमी कैंडिडेट पास होना कोशिश कीजिए, जो फिजिकल क्लियर करेगा ना उसका 90% चांस रहेगा पास होने के लिए। और हम लोगों का ट्रैक भी देख लिया, ऑल इंडिया कहीं भी आपका हो रहा है आपको मन में यही सोचना है आज हमको पास करना है, आया है तो पास करके जाऊंगा, कहीं भी हो बिहार यूपी कहीं भी हो आसाम हो दिल्ली हो हरियाणा हो पंजाब कहीं भी हो आप जा रहा है अभी आप मन में सोचना है और हमको रनिंग करना है 5 किलोमीटर रनिंग कम्प्लीट करूँगा, आप मिनिमम एक स्टेप में आप दौड़ते रहेगा आप आराम से पास हो जाएगा। मेरा वीडियो देखिए ना आप, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कौन सा लड़का किस में स्टेप में जा रहा है, देखिए स्टेप देख के आप खुद समझ में आ जाएगा हाँ इतना स्टेप में जाने से हम भी पास हो जाऊँगे। मैं आप लोग को पूरा दाता में बोल दिया हूँ 174 एक दिन पास हुआ है, कल परसों 173 ऐसे पास हो रहा है, मतलब 50% कैंडिडेट है दोस्तों आपका पास हो रहा है सेंटर में, 50% कैंडिडेट आउट हो रहा है, तब समझ में आ गया होगा फिजिकल क्वालिफाइड जो होगा उसका होगा नौकरी इस बार चांस बहुत ही है, क्योंकि नंबर हाइट मार्क जिसका ज़्यादा मार्क है वो निकल ही गया है बहुत ज़्यादा कैंडिडेट, कम मार्क से भी हो जाएगा कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ भी आपका ना ज़्यादा नहीं जाएगा, अब कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है अभी आपका सामने है फिजिकल, फिजिकल क्वालिफाइड कीजिए बाकी आपका किस्मत का बात है, फिजिकल आपका हक में है इतना आपको कोई ऐसे नहीं बताएगा, पहले से भी मैं बोल रहा हूँ इधर जो भी कैंडिडेट आ रहा है जिसको मैं मौका मिला उसको मैं हिम्मत दिला रहा हूँ और आप लोग भी ना हिम्मत रखिए, कहीं भी ऑल इंडिया में जा रहा है हिम्मत रखिए। और बाकी सब ठीक ठाक है सभी भाई मिल के मुझे भी ठीक लगा, और जिसको मिलना है ना दिशान हॉस्पिटल का सामने उस तरफ रोड में मैं मिलूँगा और आप लोगों को लाइव में बता देता हूँ, नहीं तो आपको मैं इसमें एक पोस्ट भी डालूँगा जो मिलना चाहता है आपको दिशान हॉस्पिटल का आपके सामने ये होगा, क्योंकि मैं गेट में किसी से मिल नहीं सकता हूँ दोस्तों, बुरा मत मानिए मैं दूर से बोलेगा मैं, क्योंकि गेट में इतना भीड़ लग जाता है बहुत ही भीड़ रहता है और उसमें कैमरा भी रहता है बहुत बात है, ऐसे ऐसे नहीं मिलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे फंसा देगा कोई, आप नहीं फंसाएगा दूसरा आदमी कोई ना कोई मतलब फंसा सकता है मतलब ऐसे ये बदनाम दे देगा। इसलिए दोस्तों क्या है जो मिलना चाहता है दिशान हॉस्पिटल के सामने एक कैंप के कैंपस के आगे की तरफ, आप लोग वो दिशान हॉस्पिटल आप मोबाइल में भी सर्च कर सकता है उसमें आप जाके मुझे मिल सकता है, मैं उधर ही जाऊँगा आपको टाइम बता दूँगा आज मिलना है तो। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना, साथ में बेल आइकन दबा देना, जय हिंद वंदे मातरम।